हेलो गाइस, सो दिस क्वारी रिगार्डिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। बहुत सारे बच्चों की क्वारी जा रही है, स्पेशली यूजी प्रोग्राम के लिए, कि भैया एडमिशन का क्या सारा सीन है, यहाँ पे एडमिशन क्या क्लोज हो चुके हैं क्या, क्या भैया यहाँ पे सारी की सारी सीटें भर चुकी है, क्या भैया यहाँ पे स्पॉट एडमिशन कंडक्ट होगा, क्या भैया यहाँ पे जो सेल्फ पेड सीट होती है वो कैसे मिलेगी। हालांकि यहाँ पे जो है बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी अनाउंसमेंट आ चुकी है, जिन भी बच्चों का एडमिशन हो गया जरूर से जो है हॉस्टल के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। कोई ऐसी जगह पे जो हॉस्टल है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सेफ सेफ्टी रहती है आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोग अगर जम्मू और कश्मीर के अंदर एडमिशन ले रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, तो मैं आपको ये रिकमेंडेड करूंगा। और अगर कोई पेरेंट्स ही अगर वीडियो देख रहा है तो जरूर से आप लोग सेफ्टी के लिए ले सकते हो, बिकॉज आपको वहाँ पे अच्छी खासी बहुत अच्छी सेफ्टी मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजों में। और अगर आप जस्ट लाइक लोकल, स्पेशली बच्चों का ये रहता है कि भैया लोकल रहेंगे, मजे करेंगे, हाई है बीटेक है राइट, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। दिल्ली इधर हैदराबाद इधर चलता है बाहर, लेकिन ऐसे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा दंगे वगैरह होते रहते हैं, तो अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आप लोग जो है हॉस्टल जरूर से चूज करें, क्योंकि वहाँ पे जो सेफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी है फुली सैंड अदर काफ़ी ज़्यादा रहती है ऐसे कॉलेजों के अंदर। फिर अगर अपन बात करें यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे एक नोटिस आया था हाल ही के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसकी भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होंगे। अब एक ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एडमिशन क्लोजिंग, कि भैया क्या एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, तो यार यहाँ पे जो ऑलमोस्ट एडमिशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे जो थर्ड मेरिट लिस्ट आई थी यूजी वाले बच्चों के लिए, स्पेशली कुछ अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो, और आपके जो बीटेक के जो एडमिशन होते हैं इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली, वो जो है सारे के सारे इसमें प्रोवाइड होते हैं बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, जोसा, CSAB, JEE मेन के थ्रू। यहाँ पे कुछ BSc वगैरह के कोर्सेज थे, जैसे इंटीग्रेटेड BSc, MSc, बॉटनी एंड जस्ट लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंटीग्रेटेड BA, BEd, BVOC एंड जस्ट लाइक टूरिज्म मैनेजमेंट। तो अगर कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 122 का टॉप था, OBC के लिए कोई भी यहाँ पे भैया तो बच्चों ने अप्लाई नहीं किया या फिर सीटें शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पे जस्ट लाइक बहुत सारे कोर्सेज में तो यही शो कर रहा है कि ऑफर टू ऑल, यानी कि जितने भी बच्चे थे सबको सीटें अलॉट कर दी है लोगों ने। तो अभी हो सकता है यार जल्दी ये लोग जो है अपना स्पोर्ट राउंड या फिर ओपन काउंसलिंग अलॉटमेंट रिलीज कर सकते हैं, या फिर इनकी सारी की सारी सीटें भर चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं है क्योंकि बहुत ही कम बच्चों का उधर की ओर रुझान होता है। तो हो सकता है ये लोग जो है जल्दी अपडेट जारी कर दें रिगार्डिंग द स्पॉट एडमिशन प्रोसेस, कि हमारा जो है डायरेक्ट एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए जो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर या फिर नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया उससे जरूर जरूर जो है जुड़े रहे रिगार्डिंग एडमिशन, हम आपको सारी के सारी अपडेट देते रहते हैं कि आपका एडमिशन का क्या सारा सीन है। हालांकि यहाँ पे जो है सेल्फ फाइनेंस जो सीटें होती है उनको भी जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। PG वाले बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस सीटों के लिए फीस स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, 1,00,000 रुपये शायद मेरे को शो कर रहा है MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और अदर अदर कॉलेज कोर्सेज के लिए अलग अलग है सेल्फ फाइनेंस फीस स्ट्रक्चर। 25% सीट एक्सेप्ट BA BEd एंड सेल्फ स्लेव इन रुपीज, ओ माई गॉड, अदर अदर कोर्सेज के लिए अलग अलग है। 2,00,000 रुपये BSc वाले कोर्सेज के लिए है, BSc, MSc, बोटनी, ठीक है, उसके बाद है 2,00,000 ही है ना, 3,00,000 MBA के लिए है, MA के लिए 1,00,000 है, 1,50,000 है BA BEd के लिए, एंड 1,00,000 इन कोर्सेज के लिए, 90,000 मास कम्युनिकेशन, 75,000 MA के लिए, 50,000 ये, ओ माई गॉड, काफ़ी महंगा है यार, मैं तो पढ़ाई करके ऐसे ले लूँगा भाई। हालांकि यार PG वाले बच्चों के लिए जो है सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है, काफ़ी सारे बच्चों का क्वेरी रहता है कि भैया थर्ड मेरिट लिस्ट कब आने वाली है, तो यहाँ पे भी जनरल वाले बच्चों के लिए कुछ अपडेट दी गई है। इनका भी फीस सबमिशन का लास्ट डेट 25 अक्टूबर था, 25 के बाद अभी तक कोई भी अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नहीं की गई है, ठीक है। कई ये लोग ऐसा तो नहीं कर रहे कि उसके थ्रू भर रहे हैं, ठीक है, सारी की सारी सीटें सेल्फ फाइनेंस के थ्रू भरते हैं, पैसे कमा लें। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस वाला देखते हैं ये क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस क्या है भैया। सेल्फ फाइनेंस में यार आपको जो फीस है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, और इंडिया में बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं ना, तो ले लेते हैं बहुत सारे अमीर लोग कि भैया ठीक है दे दो, 1,00,000 2,00,000 क्या ही है यार।
तो यार ये तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की अपडेट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन अदर अदर कोर्सेज के लिए। इसलिए यार मेरा एक न्यू चैनल स्टार्ट किया, उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार, 100 सब्सक्राइबर कर दो उसमें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ यार, तुम्हारे लिए इतने अपडेट लेकर आते हो, मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। सिर्फ 100 सब्सक्राइबर करना, बस 100 करके छोड़ दो तुम लोग, ठीक है? देखना जरूर वीडियोज, अच्छे बहुत अच्छे वीडियोज बनाएंगे हम भी, यूट्यूबर बनेंगे फिर।